गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अभी क्लास फोर जो कि वीवा का रियल इंग्लिश से हम लोग लेसन नंबर 3 किंग शिबी एंड द टू बर्ड्स, इसका सेक्शन बी कम वोकैबुलरी है, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें एनालॉगी के बारे में समझाया गया है। एनालॉगी में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, रीड दिस पेयर्स ऑफ वर्ड, प्रीडेटर, प्रे, कैट, माउस। कैट इज रिलेटेड टू माउस एज प्रीडेटर इज रिलेटेड टू प्रे। जिस तरह से कैट माउस से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। एक दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एन एनालॉजी। इस तरह का जो कंपैरिजन होता है उसे एनालॉजी कहा जाता है। उसके बाद बी वन में क्वेश्चन दिया गया आपको बनाने के लिए, कहा जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज विद सुइटेबल वर्ड। ये जो एनालॉजीज है उसको सुइटेबल वर्ड से कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है बॉय इज टू गर्ल। जिस तरह से बॉय का उल्टा कंपैरिजन गर्ल होता है, उसी तरीके से इज टू वुमैन क्या होगा, मैन इज टू वुमैन, बॉय इज टू गर्ल एज मैन इज टू वुमैन। उसके बाद सेकेंड है जुलाई इज टू अगस्त। जिस तरह से जुलाई से अगस्त है, उसी तरीके से एज इज टू फरवरी क्या हो जाएगा, इसमें जनवरी, जनवरी इज टू फरवरी। उसके बाद थर्ड है किंग इज टू किंगडम। जिस तरह से किंग से किंगडम रिलेटेड है, उसी तरह से एज इज टू स्कूल, इसमें क्या हो जाएगा, हेडमास्टर या प्रिंसिपल लिख दीजिए, हेडमास्टर इज टू स्कूल। उसका बाद फोर्थ है फूड इज टू हंगरी, हंगरी फूड इज टू हंगरी एज ड्रिंक इज टू। ये भोजन जिस तरह से भूखे के लिए, उसी तरीके से पीना किसके लिए, थर्स्टी के लिए। उसमें क्या हो जाएगा, थर्स्टी, thirsty, थर्स्टी। उसके बाद देखिए फिफ्थ है टीयर इज टू सॉरो। जिस तरह से आंसू इसमें जब तकलीफ होता है, दुख होता है, तो उसी तरीके से एज स्माइल इज टू, स्माइल कब आता है, जब खुश हो रहा होता है, हैप्पी। ठीक है, सिक्स्थ है पिक्चर इज टू एज कारपेट इज टू फ्लोर। जिस तरह से कारपेट पर फ्लोर बिछाया जाता है, उसी तरीके से पिक्चर को कहाँ रखा जाता है, एल्बम में, यह हम लिखेंगे एल्बम। पिक्चर इज टू एल्बम एज कारपेट इज टू फ्लोर। उसके बाद सेवेंथ है विंग इज टू बर्ड एज फिन इज टू विंग। जिस तरह से पक्षी को, चिड़िया को होता है, उसी तरह का फिन किसको, फिश को। विंग इज टू बर्ड एज फिन इज टू फिश। उसके बाद इज टू पाइप्स एज इलेक्ट्रिसिटी इज टू वाइप्स। इसमें क्या हो जाएगा, टैप। जिस तरह से पाइप, उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाइप, तो इसमें क्या हो जाएगा, टैप। टैप इज टू पाइप, पाइप में टैप लगा होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में वायर लगा होता है। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं ये एनालॉजी, इसको हमने रिपीट किया है। फर्स्ट में मैन फील हुआ है, सेकंड में जनवरी, थर्ड में हेडमास्टर, फोर्थ में थर्स्टी, फिफ्थ में हैप्पी, सिक्स्थ में एल्बम, सेवेंथ में फिश और एट्थ में टैप। एक बार हम सेंटेंस पढ़ते हैं, बॉय इज टू गर्ल एज मैन इज टू वुमैन, जुलाई इज टू अगस्त एज जनवरी इज टू फरवरी, किंग इज टू किंगडम एज हेडमास्टर इज टू स्कूल, फूड इज टू हंगरी
as drink is to thirsty, tear is to sorrow, as small is to happy, picture is to album, as carpet is to floor, wing is to bird, as fin is to fish, tap is to pipe, as electricity is to wire. उसके बाद B2 को देखिए, B2 में एक एग्जाम्पल सिर्फ दिया गया है प्रीडेटर एंड प्रे. ए प्रीडेटर इज एन एनिमल दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स. प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर के बारे में बताया गया है कि वो प्रीडेटर वो होता है जो कि किसी दूसरे जानवर का शिकार करता है और उसे खाता है. ए प्रे इज एन एनिमल दैट इज हंटेड फॉर फूड बाय अदर एनिमल्स. और प्रे क्या होता है, प्रे वो होता है जो किसी जानवर के जरिए शिकार किया जाता है. नाउ मैच द एनिमल टाइप इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी विद एग्जाम्पल इन कॉलम सी. इसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. आज के वीडियो में हम इतने पर ही स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम B2 को बनाएंगे. थैंक यू.